पता है क्या एक्शन करती है फिल्म में, हीरो का तो काम ही नहीं होता है। विलन डरा हुआ होता है इससे। विलन इससे कह रहा होता है दीदी मैं आपको छेड़ लूं। अरे आपका फोन आ रहा है। हाँ, कब से बज रहा है? कौन बोल रहा है? मेरी सगी बीवी। अच्छा। हाँ क्या हुआ बेगम? भोजपुरी वाले आए हैं तुमको कास्ट करने के लिए। हो गई ना मोटी मनहूस तू। कास्ट देख, खबरदार पैसे तुम नहीं, मैं बताऊंगा। हाँ उनको बोला पेमेंट में तीनों बच्चों की दूध 3 टाइम के, हम दोनों मियाँ बीवी के 3 टाइम का खाना, उस वक्त तक जब तक फिल्म खत्म नहीं होती। हाँ इसके अलावा ये कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ यही देते हैं। मुझे भी कास्ट करा लेना, कास्ट करा लेना मुझे भी। पता आने जाने का कन्वेंस निकलेगा, कब तक कुत्ते पे घूमता रहूँगा, उसकी हेडलाइट टूट गई कुत्ते की। हाँ ठीक है। अरे भाई आप रह गए, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। आप अंधेरे में कटिंग कराओ ना तो ऐसा सर बनता है। क्या बात है, एक बार 100,000 तालियां शकील जी, पूजा और श्रुति के लिए। आइए सर। भारती भी भोजपुरी में ट्राई करे, बहुत पहले आ जाएगी। करना चाहिए, करना चाहिए। हम देखा वहाँ पे। ये पता क्या करवा रही है ताकि ताकि ये दुबली लगे तेरे आगे। सुपरस्टार भारती। केसारी जी क्या मैं कर सकती हूँ? मैं अपने अपोजिट आपको माँ बना सकता हूँ। तो चलिए पूछ लेते हैं हमारे सुपरस्टार जो बैठे हैं, पहले इनसे ही पूछिए। चलिए आप ही बता दीजिए। एक तो मतलब आप सोच सोच के डाल रहे थे, कमाल था वो। मतलब ऑन द स्पॉट जो आप डाल रहे थे बहुत ही कमाल था। और आप सब लोग जो इनोसेंटली खींचते हो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मेरे जैसी मेरी कदरीली बहन, आप बताइए। लव यू भारती। कैसा लगा रानी? मुझे बहुत बुरा नहीं लगता ये सब सुन के, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है। वैसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि सीरियसली इतना मैं कभी नहीं हंसी अपनी लाइफ में अब तक। आप लोगों ने इतने प्यार से इस एक्ट को किया, अगर यहाँ कोई मुर्दा भी पड़ा होता तो वो भी हंसते हुए उठ जाता। मुंजप्पा जी कितना तो लगा तो एक्ट? बहुत बढ़िया था। जिन्ना भी मेरे लिए जो भी बोलिया, मेरी खुशनसीबी है मेरे लिए कुछ बोले, बहुत रोटी गल मेरे। एक बार जोरदार तालियां शकील जी, पूजा और श्रुति के लिए। क्या बात है निंजा जी, आपने शकील जी से कहा कि शकील ने तो अड्डे बारे बहुत बोलिया, बट अब आपकी बोलने की बारी है। एक गाना हो जाए शकील जी, गाना हो जाए, हो जाए। कॉमेडी आगे बढ़ाते हैं, अब किन की बारी है? मैं जाऊं? रानी आप आइए और मोना को लेके वापिस आ जाइए। आइए उठिए। थैंक यू बाजी। अरे वाह, सोफे के ऊपर सोफा, साथ में लाल कुशन। लेकिन एक मिनट, नहीं पीछे लाल कुशन आपको थोड़ी बोला, आपको भी सोफा ही बोला। लेकिन एक मिनट, ये रानी और मोना इधर है तो अभी बैक स्टेज कौन मुझे मिला? कौन? चलिए बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एज रानी, सुदेशी एज मोना। ओह माय गॉड, पिक्चर करती है ये, इसका भी पिक्चर लगा मालूम है? कौन सा? जय जय शिव शंकर, देखो पानी वाला टंकर। मैं बड़ी पिक्चर करती है भोजपुरी की, मेरी भरी जवानी में गई भैंस पानी में। आप लोग सोच रहे होंगे दांत ऐसा के सॉरी ब्रश करके नहीं आई आज। नहीं नहीं, मैं अपनी नौकरानी को बोला मेरे को ब्रश ला के दे, कहती मैडम आज कमोड साफ कर रही हूँ कल कर लेना। हाँ मेरी पागल, ये देख सॉक्स भी नहीं दिए नौकरानी ने। माय पागल, अब मैं क्या खाऊंगी लंच में?
इतना प्रॉब्लम होता है, मेरे को दंत मंजन का एड भी मिला, मालूम है मेरे दांत की वजह से। कोई चुड़ैल है, रानी नहीं है। रानी नहीं है, रानी नहीं है, चुड़ैल। ये चुड़ैलों की रानी है। मेरे को अभी दंत मंजन का एड मालूम है, कितना बड़ा एड मिला। डायलॉग बुलवाया नहीं मेरे को, ऐसा कैमरा लगाया पूरे एड में, मैं ऐसा कैसे करी। फिर माई सेल्फ रानी चैटर्जी, मेरे लिए जोरदार तालियां हो जाए। पता क्या, बड़े शो पे जो ना तो डीओ लगा के जाना चाहिए, बड़ा प्रॉब्लम होता है। खैर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं छोटी मोटी नहीं हूँ, वैसे मेरा असली नाम है रानी चैटर। हाँ, फिर मेरे को मालूम पड़ गया पूरी जिंदगी इज्जत तो मिलनी नहीं, इसलिए मैं खुद क्या नाम के आगे जी लगा दिया, रानी चैटर जी। भाई छोटा मोटा मैं फिल्म इंडस्ट्री में दो ही रानी है समझे, एक रानी मुखर्जी एक रानी चैटर जी। कोई फर्क नहीं है हमारे अंदर, मालूम है। क्या हुआ? कोई फर्क नहीं है हमारे अंदर। मैं बताती अभी बता, तुम लोगों को क्या समझते हो? रानी मुखर्जी एक रानी चैटर्जी समझे, कोई फर्क नहीं है। उसने पिक्चर की थी गोविंदा के साथ, हद कर दी आपने। मेरा भी फिगर देख के लोग बोलते हैं हद कर दी आपने, हद कर दी। पता है क्या है, ये भोजपुरी में ना ऐसा बहुत जरूरी रहता है, वेट दे वांट वेट, जैसे बॉलीवुड की हीरोइनें होती है ना 36 24 36, और भोजपुरी में होता है 36 72 128। हाँ चलो, पता नहीं चलता फिगर है कि कोई बढ़ता बुखार है। लेकिन ये हमारे ना सुनो, मैं बता रही शक्ल के हिसाब से गलत नाम रखे हम लोगों के। ऐसी शक्ल देखो फिगर और नाम रानी, और इसका देखो ऐसी शक्ल नाम मोनालिसा। ये आदमी का अच्छा है, जैसी शक्ल वैसे ही नाम, खेसारी लाल। ये आदमी ऐसा है, इनका देखो इनको, ये बंदा एसी से भी बाहर निकलता ऐसा लगता है धूप में भाग के आ रहा है। लेकिन बहुत अच्छे आदमी है, इनको हमने वैनिटी वैन दिया बाहर, फिर भी लोटा लेके खेत में जा रहे थे। मैंने बोला सर वैनिटी में बाथरूम है, कहते वो मैंने धो दिया, मैं तो हल्का हूं। अरे अभी ये मोना मेरे को बाहर मिली, जोर जोर से चिल्ला रही थी लकड़बग्गा। मैं बोला क्या इतना डरती है क्या? बोलती डरती नहीं, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया फिर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या बोले। हे भगवान, मेरी फ्रेंड किधर गई? मोना, मोना फूफा, मोना लिसा। घटिया लगा? हाँ। मोनालिसा लग रही है इसका मतलब है। अरे रानी, चैनल वाले कितने अच्छे, कितने डाउन टू अर्थ हैं। क्या हुआ? अरे सेलिब्रिटी का शो है, हम लोगों को बुला के इज्जत दे। इधर चड्डी क्यों सुखाने के लिए रखी है, उसमें दो छेद भी हैं। चड्डी नहीं है वो, खेसारी लाल है। पागल कह की, और वो छेद नहीं है, वो उसकी आंखें हैं, भरी हुई आंखों से देख रहा हमको। हाय, मिन से मिली है माय फ्रेंड नाला सुपारा की दाबेली मोनालिसा। कैसी हो तुम? मैं तो फूली हुई हूँ, तुम अपना बताओ। एक मिनट, वो पूछ रही है ना, तू पूछ रही ज्यादा नहीं तो। एक मिनट, क्या पूछती है? कैसी है तू? मैं तो फूली हुई हूँ, तुम अपना बताओ। मैं
वो पूछ रही है ना, पूछ रही है ना, पूछने दो, मैं गंदी हूँ। देख हम पक्की सहेलियां हैं, फ्लॉप फ्लॉप। ओह माय गॉड, नहीं नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं। चुड़ैलों की, तुम अपनी समझो, चुड़ैलों तुम दोनों। अरे पहचान लिया, मैं मोनालिसा बनी हूँ। चुड़ैलों कहती तो अच्छा सुनो, चुप कर चुप कर, हाँ बीच में सड़ गई। आजकल तेरी कोई फिल्म क्यों नहीं आ रही? और वैसे भी एक बात कहूँ, अभी कोई नहीं, कृष्णा जो है यहाँ पे वो भी भोजपुरी में था ना पहले, उसके साथ मैंने सुना 2-3 साल तेरा रानी चक्कर रहा। क्या बकवास करती है? नहीं नहीं नहीं, मतलब बोलती है, झूठ नहीं बोलना, बहुत फेमस हुई थे तुम दोनों, सेटिंग थी ना तुम्हारी। क्या सेटिंग थी? सुन लिया करो कमीनो, सुन लिया करो। क्या सेटिंग थी तुम्हारी? सेटिंग थी मतलब कि अगर वो 2 लाख लेगा तू भी 3,000 लेगी, ऐसा था।